हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा एंड वेलकम टू क्रेजी फॉर हेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इरेजिस्टिबल चॉकलेट फज सॉस का रेसिपी, जो बहुत ही हेल्दी है और जो बन जाता है 2 से 3 मिनट के अंदर। तो इस चॉकलेट सॉस को आप कई सारे तरीकों से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको आइसक्रीम के ऊपर एज ए टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको केक्स एंड ब्राउनीज के ऊपर डाल के यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको ब्रेड के ऊपर लगा के चॉकलेट सैंडविचेस बना सकते हैं। और जो मेरा सबसे फेवरेट तरीका है वो है चॉकलेट मिल्क। तो आप इस सॉस को डायरेक्टली गर्म दूध में डाल के इंस्टेंट हॉट चॉकलेट बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस हेल्दी और यमी चॉकलेट फज सॉस को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे कोको पाउडर। अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया है। इसके बाद हम ले रहे हैं आटा, ये नॉर्मल गेहूं का आटा मैंने लिया है। अब हम लेंगे जैगरी पाउडर। तो आप इस रेसिपी में गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जाएगा 2 चम्मच के करीब मक्खन। अब इसमें हम डालेंगे दूध, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध है। इसमें अब डालेंगे हल्का सा नमक और इसको अच्छे से मिला लेंगे एक विस्क की मदद से, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से कंबाइन हो जाए और फिर इसको हम कुक कर लेंगे। तो हमने इस इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लिया है। अब हम अपना फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इस सॉस को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये हल्का थिक नहीं हो जाता। तो हमने इसमें आटा ऐड किया है जिससे कि ये सॉस में थिकनेस आएगा। तो करीब 1.5 से 2 मिनट में ये सॉस अच्छे से थिक हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एक अच्छा उबाल आ चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे वनीला एसेंस, ये आप डाल भी सकते हैं, आप अवॉइड भी कर सकते हैं, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो हमें सॉस में कोई लम्प्स नहीं चाहिए, तो जितना आप अच्छे से मिलाएंगे उतना इसमें लम्प फ्री बनेगा ये सॉस। तो आप इसको बस लगातार चलाते रहिए। तो 1.5 से 2 मिनट के बाद सॉस अच्छी कंसिस्टेंसी में आ चुका है, बिल्कुल थिक हो चुका है। अब इसको और चॉकलेटी बनाने के लिए हम ऐड करेंगे डार्क चॉकलेट। तो ये मैंने नॉर्मल डार्क चॉकलेट लिया है, इसको तोड़ के मैंने यूज़ किया है। आप मार्केट से कोई भी चॉकलेट इसमें डाल सकते हैं, आप नॉर्मल डेयरी मिल्क या फिर कोई भी चॉकलेट इसमें डाल सकते हैं। इससे ये जो सॉस है और भी ज़्यादा चॉकलेटी और टेस्टी बन जाता है। तो जब चॉकलेट मेल्ट हो जाए उसको फिर हम 5 से 10 सेकेंड सॉस को और पका लेंगे और फिर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो अगर आप इस सॉस को ज़्यादा पतला रखना चाहते हैं तो आप इसको पतला रख सकते हैं, और अगर आप इसको स्प्रेड की तरह यूज़ करेंगे तो आप इस सॉस को हल्का गाढ़ा भी उतार सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो पर्पस से इसको यूज़ करना चाहते हैं आप उस तरीके से सॉस को रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है जो आप इसको हर रेसिपी में यूज़ कर पाएंगे। तो एक स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसके लम्प्स को हम हटा देंगे, और फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद भी इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, वरना इसके ऊपर एक हल्का सा लेयर आ जाएगा और ये सॉस में लम्प्स फॉर्म हो सकते हैं। तो इसको लगातार चलाते रहिए और चला के हल्का ठंडा कर लीजिए। जितना आप इस सॉस को चलाएंगे उतना ही ज़्यादा ये स्मूथ बनेगा। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसको हमने टेबल के ऊपर रख दिया है, और इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन नहीं हो जाता। तो ये देखिए, रेडी है हमारा होममेड हेल्दी चॉकलेट सॉस। और ये सॉस को आप किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं लगता जो आप मार्केट से सॉस खरीद के लाते हैं और इस सॉस में। तो आप इस सॉस को ज़रूर ट्राई कीजिए, और आप इसको स्टोर करके काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं। तो हमारा सॉस ठंडा हो चुका है, इसको हम एक बोल में डाल लेंगे। और जब भी आपको ये सॉस को यूज़ करना हो आप इसको अच्छे से फेंट के यूज़ कर सकते हैं। तो जितना आप इसको फेंट के यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा ये वापस से
स्मूथ और क्रीमी बन जाएगा। तो एक एयरटाइट कंटेनर में इसको स्टोर कर दीजिए और आप जब चाहे जैसे चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो रेडी है हमारा हेल्दी होममेड चॉकलेट फजी सॉस। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। तो आप इस सॉस के साथ काफ़ी सारे चीज़ें बना सकते हैं। आप इसको आइसक्रीम के ऊपर टॉपिंग की तरह यूज़ कर लीजिए, या फिर आप इसको केक या ब्राउनी के ऊपर डाल के खा सकते हैं, या फिर आप इसको सैंडविचेस में लगा के खा सकते हैं, या फिर रोटी पराठा में, या फिर आप इसको चॉकलेट मिल्क बनाकर पी सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है उनके लिए, क्योंकि इसमें हमने कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया है। तो ये काफ़ी अच्छा रेसिपी है जो आप दूध में ऐड करके अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी के नीचे दिए हुए लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए। अगर अच्छी ना लगी हो तो आप डिसलाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बगल दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाइए, इससे आप हमारे फ्यूचर के वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। और हमारे चैनल में जो भी फीडबैक है या कमेंट है आप उसे ज़रूर शेयर करिए। तो मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।